को बहुत ऐसा ही पेंट करते हैं क्योंकि उनके दिमागी हालत ठीक नहीं है। भारत जब आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर था उस कालखंड में भारत आर्थिक संपन्नता की ऊंचाइयों पर भी था। यह देश सोने की चिड़िया कहा जाता था और इसलिए यह कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है कि आध्यात्मिक ऊंचाई आ गई तो फिर पहनने के लिए लंगोटी की सेवा कुछ नहीं होगा। आध्यात्मिक ऊंचाई आएगी तो वैभव भी प्राप्त होता है और इसलिए यहां के मेरे बुनकर भाई बहन हो, यहां के हैंडीक्राफ्ट की दुनिया में जुड़े लोग हो, यहां के शिक्षा दीक्षा का हालत हो, यहां के टूरिज्म का विकास हो, भाई बहनों एक मेरा सपना है जो सपना मैं काशी से शुरू करना चाहता हूं। लेकिन वो काम सरकार नहीं कर सकती, काशी के नागरिक ही कर सकते। क्यों चुप हो गए? मैं जानता हूं काशी वालों से कोई काम करवाना बड़ा कठिन होता है, ऐसा नहीं मैं आपको जानता नहीं। भाई बहनों 2019 पांच साल के बाद महात्मा गांधी को 150 वर्ष हो गए, उनकी 150वीं जयंती आएगी। देश को इतना बड़ा देने वाले महात्मा गांधी, विश्व को देने वाले महात्मा गांधी, युग पुरुष महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के अनेक पहलू थे, अनेक विशेषताएं थी, अनेक क्षमताएं थी, लेकिन एक बात में महात्मा गांधी बड़े प्रतिबद्ध थे, कटिबद्ध थे और उस बात में कभी महात्मा गांधी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। और वो उनके मन का भाव रहता था सफाई। महात्मा गांधी आश्रम में भी अगर सफाई के संबंध में कोई कॉम्प्रोमाइज करे तो उसको आश्रम से निकाल देते, इतने वो आग्रही रहते। महात्मा गांधी के 150वीं जयंती अगर मनानी है तो क्या देश महात्मा गांधी के एक आग्रह को पूरा कर सकता है और वो है सफाई। क्या ये सफाई का काम हम काशी से शुरू कर करके 2019 में जब महात्मा गांधी के 150 मनाए तब पूरा हिंदुस्तान, जिस पर दुनिया एक बात के लिए आलोचना करती है, हिंदुस्तान में जाने के लिए देखने के बहुत है, गंदा बहुत है। भाइयों बहनों ये बदला जा सकता है। हमारे लोग जब सिंगापुर जाते तो आकर के कहते हैं भाई सिंगापुर इतना बढ़िया है, कोई कूड़ा कचरा नजर नहीं आता है। तो मैं लोगों को पूछता हूं भाई सिंगापुर में कोई कूड़ा कचरा नजर नहीं आता है, क्या किसी को डालते हुए देखा था क्या? पान खाकर के भारत माता की जय बोल करके जो पिचकारी लगाता है ऐसा कभी देखा था क्या? भाइयों बहनों ये भी एक भारत मां की सेवा करने का तरीका है। काशी को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की पहली शर्त है काशी साफ सुथरा स्वच्छ हो। आपको लगेगा ये आदमी प्रधानमंत्री बनने योग्य नहीं है। प्रधानमंत्री को तो कैसा बोलना चाहिए, अमेरिका का बोलना चाहिए, चंद्रमा का बोलना चाहिए, रशिया का बोलना चाहिए। ये आदमी पागल है जो यहां की गली मोहल्ले की कचरे कूड़े कचरे की बात कर रहा है। भाइयों बहनों उसी काम से मैं दुनिया बदल सकता हूं, इसी काम से दुनिया बदली जा सकती है। छोटे छोटे कामों से ही बड़े काम होते हैं और काशी में छोटे छोटे कामों से शुरू कर करके बहुत बड़े कामों को पार करने का हमने तय करना है और गंगा के किनारे खड़े होकर के संकल्प करके जाना है कि अब काशी की पहली हमारी जिम्मेवारी है, अब हम काशी को गंदा नहीं होने देंगे। काशी की गलियों को गंदा नहीं होने देंगे। हम तय करें कि मैं कम से कम कोई कूड़ा कचरा नहीं फेंकूंगा। एक बार इतना निर्णय कर लीजिए अपने आप शुरुआत हो जाएगी। भाइयों बहनों ये सब हम मिलकर के करेंगे। मैं आपके साथ कांग्रेस से कंधा मिलाकर के काम करना चाहता हूं और जैसे मैंने कहा यहां पर आर्थिक उन्नति की नूतनी संभावना।
या टूरिज्म के माध्यम से, यात्रा के माध्यम से पूरे विश्व को आकर्षित करने का सामर्थ्य है। बहुत सारे सपने संजो करके आया हूं आपके बीच में। बस सिर्फ वोट नहीं, मुझे आपका साथ और सहयोग चाहिए। ऐसा नहीं, आप ये तो नहीं मानते ना कि मोदी को 5-7 लाख वोट दे दिए तो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, चल मोदी 5 साल में पूरा करेगा, ऐसा तो नहीं है ना? मेरे काशीवासियों, आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं दिया ना? हम सब मिलकर के काशी के सेवक हैं, हम सब मिलकर के काशी के सेवक हैं, और इस सेवा को हमने पूरा करना है। भाइयों बहनों, देश ने अभूतपूर्व जनादेश दिया है। आजादी के बाद अगर एक दल की सरकार रही है तो वो सिर्फ कांग्रेस की ही रही है। बाकी सरकारें आई लेकिन ज्यादातर उनके मुखिया कांग्रेस गोत्र के थे। अकेले अटल जी थे जो कांग्रेस गोत्र के नहीं थे, बाकी सारी सरकारें कांग्रेस गोत्र से आई थी। मूल कांग्रेसी लोग इधर आकर के फिर सरकार बनाई थी। दूसरा, एक भी दल को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का सौभाग्य नहीं मिला था। पहली बार देश आजाद होने के बाद गैर कांग्रेसी किसी एक दल को संपूर्ण बहुमत के साथ देश की सेवा करने का मौका मिला हो तो इस बार मिला, और इसलिए मैं देश की जनता जनार्दन का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दूसरा, ये युग परिवर्तन का संधि काल है। मैं संधिकाल इसलिए कह रहा हूं कि अब तक देश का नेतृत्व करने वाले सारे लोग गुलामी के कालखंड में पैदा हुए थे, अंग्रेजों की जब हुकूमत थी तब पैदा हुए थे। ये पहली चुनाव का परिणाम ऐसा है कि देश का नेतृत्व उन लोगों के हाथ में आ रहा है जो आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए। आज इसलिए भाइयों बहनों, गुलामी के कालखंड में देश के लिए मरने का सौभाग्य बहुतों को मिला, लेकिन मेरे जैसे लोग जो गुलामी के कालखंड में पैदा नहीं हुए थे उनको वो सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन जब आजादी के समय पैदा हुए थे तो देश के लिए मरने का सौभाग्य मिले या न मिले, देश के लिए जीने का सौभाग्य जरूर मिला। और इसलिए हम सबका संकल्प होना चाहिए कि हम देश के लिए जिएंगे, हम जो कुछ भी करेंगे देश के लिए करेंगे। छोटा सा भी काम करूंगा लेकिन वो मेरा काम मेरे देश के लिए होगा। एक बार जन जन के मन में इस भाव को हम प्रबल करते हैं, मुझे विश्वास है हम स्थितियों को पलट सकते हैं, हम दुनिया को बदल सकते हैं। भाइयों बहनों, इस देश में पहली बार हुआ ऐसा है कि देश में गठबंधन से सरकारें तो बनती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि गठबंधन से शायद विपक्ष बनाना पड़े। अधिकृत विपक्ष बन ही नहीं पा रहा है, और इसलिए अधिकृत विपक्ष बनने के लिए गठबंधन करना पड़े, ऐसा चाका देश की जनता ने मारा है। भाइयों, ऐसा कभी हो नहीं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं फिर एक बार काशी की धरती को नमन करता हूं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। और मैं, मेरे लिए एक विशिष्ट अनुभव है कि ऐसा उम्मीदवार जो अपने मतदाताओं के दर्शन नहीं कर पाया, ऐसा उम्मीदवार जो अपने मतदाताओं से अपनी बात बता नहीं पाया, ऐसा उम्मीदवार जो मतदाताओं की बात सुन नहीं पाया, उसके बाद भी आप लोगों ने इतना भरोसा किया, मुझ पर इतना विश्वास जताया, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास की एक नई घटना है। और इसलिए मैंने कहा, आपने मेरे मौन को भी मोहर लगा दी है, और आपने मुझे संसद में भेजा है, मैं आपका बहुत आभारी हूं। भारतीय जनता पार्टी का, विशेष करके राजनाथ जी का आभारी हूं, उन्होंने मुझे बनारस
आने का अवसर दिया, माँ गंगा की गोद में आने का। एक संतान को जितना आनंद होता है उतना आनंद का अनुभव कर रहा हूं। और भाइयों बहनों, ये मेरा आनंद राजनीति के तराजू से नहीं तोला जा सकता, राजनीति के चश्मों से नहीं देखा जा सकता, राजनीति किताबों के आधार पर मेरे मन के भावों का कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता। ये वो भाव है जो एक बच्चा अपनी मां की गोद में आकर के अनुभव करता है, जिसको कोई मेडिकल साइंस निर्धारित तय नहीं कर सकता है कि मां की गोद में गए हुए बच्चे के मन के आंतरिक ऊर्जा कैसे बदलाव लाती है। मैं उस आध्यात्मिक अनुभूति करते हुए आज मां की गोद में आया हूं। आप लोगों ने प्यार दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और फिर एक बार मां गंगा को प्रणाम करता हूं, बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करता हूं। मेरा तो जन्मस्थान भी, मेरे जन्मस्थान को और वाराणसी से बड़ा विशेष नाता है। यहां भी मेरे गांव के ही एक मंदिर की प्रतिकृति हाटकेश्वर महादेव यहां पर भी है। मैं भी हाटकेश्वर दादा के चरणों में बड़ा हुआ। मैं उस गांव से आता हूं जहां बुद्ध के समय बहुत बड़ा आंदोलन वहां से बुद्ध के लिए चलता था। बुद्ध भिक्षुओं को तैयार करने की पाठशालाएं वहां चला करती थी। उस धरती से मैं आया हूं और उस धरती पर आया हूं जहां बाबा विश्वनाथ का भी स्थान है, जहां भगवान बुद्ध का भी स्थान है। और इसलिए मेरा आपके साथ सविशेष नाता बना हुआ है। फिर एक बार मैं आप सबको प्रणाम करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मां गंगा को प्रणाम करता हूं, बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आदरणीय मोदी जी, बनारस की जनता ने एक नारा लगाया था कि सुबह बनारस, शाम बनारस, मोदी तेरे नाम बनारस। बनारस की जनता ने बनारस आपके नाम कर दिया है। हम भारतीय जनता पार्टी आपके प्रति आभारी है। In fact, that was Narendra Modi. In fact, that was Narendra Modi at the Dash Ashwamedh Ghat, where he went there to take part in this special Ganga Aarti. Now, clearly, while speaking over there, he thanked the people of Banaras for actually voting him. Now, in spite of the Election Commission ban on him going about with his campaign for the second time, the people came out and made sure that he becomes their representative in Parliament by a massive margin of 3.7 lakh votes. Now, he also spoke about many other things in his speech there. He also spoke about Mahatma Gandhi, stating that it's important that India needs to be kept clean, that he will make sure that India becomes better, and also that Kashi is clean and better. Well, that's it in the special bulletin. Up next is Hot and Spicy after the short break.